राष्ट्र होगा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। ये कभी हो पाएगा? ये सबका देश है, सब धर्म समन्वय। हाँ। मालिक एक है। हाँ। बाकी पूजा पद्धति अलग अलग है। हाँ। मानवता ही धर्म है। इन द ईयर 2023 अराउंड 80 लाख पिलग्रिम्स हैड विजिटेड गंगा सागर मेला इन वेस्ट बंगाल। That number is expected to get surpassed in 2024. About 130 kilometers from Kolkata, it takes roughly about 4 hours. Cut off from the mainland, the Sagar Island is separated by water, and these launch or cruise services are the only ways to ferry people. So we have now reached Kuchuberia, and from here we will be going towards Ganga Sagar. Okay. All right. That was easy. Not that tough. Times have changed and the journey has now become much easier. Lakhs of pilgrims come here for the holy dip during Makar Sankranti in hope for moksha. The center hasn't declared this as a national fair, offers no financial assistance. That has upset many, including the head priest of Kapil Muni Ashram in Ganga Sagar, Mahant Gyandas. Mahant Gyandas, a very senior voice and a Sanatani, has written multiple letters to the central government, but to vain. चले गए। आपको लगता है गंगा सागर मेला का जो सम्मान है उसका और अधिक बढ़ावा होना चाहिए केंद्र के माध्यम से? केंद्र कुछ नहीं करता है, सब ममता करते हैं। तो ये क्या नेशनल फेयर होना चाहिए गंगा सागर मेला? हम बहुत मांग कर रहे हैं। हाँ। नहीं कर रहे हैं लोग। अच्छा, क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो हो जा रहे हैं, लेकिन ममता जी कर रहे हैं। आपसे कोई कभी किसी ने संपर्क किया? कभी किसी ने संपर्क किया? इस जगह पे इतने सारे हिंदू सनातनी लोग आते हैं और इसके ऊपर क्यों आशीर्वाद नहीं रहेगा, क्यों सहायता नहीं मिलेगा केंद्र से? वो जाने, मिलना चाहिए, हम तो चाहते हैं। वहाँ कहाँ कहाँ कुंभ होता है, हम अध्यक्ष होते हैं, वहाँ जगह देते हैं पैसा, यहाँ नहीं देते हैं। महाराज जी, ये 2024 साल के शुरुआत में जो हिंदू सनातनी है उनके लिए एक महत्वपूर्ण इंसिडेंट हो रहा है अयोध्या में, राम मंदिर की इनॉग्रेशन और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। आपको न्योता मिला है महाराज? मिला है। आप जाएंगे? आप जाएंगे? वो तो समय बताएगा, सही ठीक रहेगा, जैसे जाएंगे ही। हाँ। आप कैसे देखते हैं इस मंदिर के इनॉग्रेशन आज 2024 में जो हो रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? ऐसा होना चाहिए पूरे देश में, पूरे विश्व में। हाँ। भगवान राम पूरे विश्व के मालिक हैं। हाँ। महाराज जी, ये भगवान राम के नाम पे बहुत जगहों पे बहुत सारी हिंसा की घटना भी हुई है। नहीं, जो कर रहे हैं वो पशु हैं। आप उनको नहीं कहेंगे कि हिंदू होने का दावा करके हिंदुत्व के नाम पे भगवान राम के नाम लेके? नहीं, वो पशु हैं। अच्छा, वो पशु है, वो मनुष्य नहीं है, पशु ही हिंसा करते हैं। लोग कह रहे हैं कि अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। नहीं, मथुरा कोई नाम कहाँ हटा सकता है? अयोध्या को नाम हटा सकता है? कभी नहीं। गंगा सागर को नाम हटा सकता है? कभी नहीं। उसमें करने का क्या जरूरत है? हम मथुरा हमारा है ही है। हाँ। हम भगवान कृष्ण का अवतार है। हाँ। मथुरा में। लेकिन हर जगह पे कभी ज्ञानवापी, कभी मथुरा, कभी ये मंदिर वो मस्जिद, बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं महाराज। नहीं, जो उलझे हैं तो उलझाए गए हैं। राजा सागर, आफ्टर हु द आइलैंड इज नेम्ड,
legend says, was the ancestor of Lord Ram. Mahant Gyandas is thus excited about the inauguration of Ram Mandir in Ayodhya on January 22nd. Owing to bad health, he may skip it, but he has a message for all. Mahant Gyandas claims, Ram Mandir doesn't mean India will one day become a Hindu Rashtra. झंडा में है, जानते हैं, तिरंगा में, उसमें भी भाव हुआ। बहुतों का लगता है कि जो हिंदुत्व का नारा देखे, जो हिंसा की घटना हो रहा है और जो दावा किया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र होगा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, ये कभी हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। क्यों? ये सबका देश है, सब 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 धर्म समन्वय। हाँ, तो जो लोग दावा कर रहे हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र करेंगे, बीजेपी बना रहे हैं। बीजेपी के बहुत सारे नेता कह रहे हैं। नहीं, सब सब लोग नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन ये सब संभव समन्वय है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, जिसका जो धर्म है उसको पालन करना चाहिए, दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए। हम करते हैं, वही मालिक वही सब करता है, एकदम वही करते हैं। मालिक एक है, बाकी पूजा पद्धति अलग अलग है। मानवता ही धर्म है। हमारे हिंदू मुस्लिम मुसलमान सिख ईसाई सब बराबर हैं। महाराज जी, दुख नहीं लगता है? इतने सारे हिंसा की घटना हो रहा है चारों तरफ, लेकिन क्या करें हम, क्या करेंगे आप? आपको दुख होता होगा, लेकिन सबको दुख होता, लेकिन कोई बचा पाता है? आप मानते हैं कि हिंसा की घटना बढ़ गया है पहले से? इधर सदा हिंसा होता है, इसीलिए बुद्ध अवतार हुआ था, राम अवतार हुआ था, कृष्ण अवतार हुआ था, हिंसा रोकने के लिए। अभी कलंकी अवतार होने वाला है। ये जो बकवास लोग करेंगे उसको समाप्त करेंगे वो, लेकिन अभी बहुत टाइम है। Humanity is the most important religion. Words of Mahant Gyandas are here to stay. Along with Shuman Gupta and Ronnie Shatra, in Ganga Sagar, this is Tamal Shah for News the Truth, NTT.